हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ डायरेक्ट करंट ऑफ 2 एम्पीयर एंड एन अल्टरनेटिंग करंट हैविंग अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 एम्पीयर फ्लो थ्रू 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द 2 रेजिस्टेंसेस विल बी। सो बच्चों, हम मान लेते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस को आर एंड सेकेंड रेजिस्टेंस भी आइडेंटिकल है, तो दिस इज ऑल्सो आर। अब फर्स्ट रेजिस्टेंस में डायरेक्ट करंट फ्लो होती है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है 2 एम्पीयर, और सेकेंड रेजिस्टेंस में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें गिवन है, इसको ले लेंगे I20, ये गिवन है हमें 2 एम्पीयर। तो हमें फाइंड करना है दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन दीज 2 रेजिस्टर्स। सो बच्चों, सबसे पहले हम डीसी करंट के कारण जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका एक्सप्रेशन लिख लेंगे, दैट इज I² RT। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो एसी करंट के कारण हीट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी IRMS² मल्टीप्लाइड बाय RT, जहाँ की इक्वेशन 2 आ गया। और जहाँ पर RMS यानी कि इफेक्टिव वैल्यू मीन्स क्या होगी, द पीक करंट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम इनका रेशियो जब लेंगे, दिस इज HDC डिवाइडेड बाय HAC, सो यहाँ से हमें मिल जाएगा I² डिवाइडेड बाय I0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। सो बच्चों, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में, IDC की वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर है, और I0 यानी कि पीक वैल्यू ऑफ AC भी 2 है। सो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर, इट मीन्स 2:1। सो जो हमें रेशियो मिलेगा दैट विल बी गिवन बाय ऑप्शन सी। थैंक यू।